हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम आपको दिखाएंगे लखनऊ के सबसे सुंदर मंदिर जो कि है हनुमंत धाम मंदिर में। तो इस समय हम हनुमंत धाम मंदिर के बाहर खड़े हैं, तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या है इस मंदिर में। बहुत कुछ है, 400 साल से भी अधिक पुराना क्या मंदिर है, इसको नए तरीके से बनाया गया है। तो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ना मंदिर, यहाँ पे तो चलते हैं फिर अंदर। बजरंग गली दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे, मंदिर के किनारे बहुत सारी फूल की और मिठाई की दुकान, प्रसाद की दुकानें आपको मिल जाएंगी। आप यहां से फूल माला प्रसाद खरीदिए और सीधे चलिए मंदिर के अंदर दर्शन के लिए। तो हम भी यहां पे ले चुके और हम भी आप यहां से अंदर चलते हैं और यहां पे देख सकते हैं ना कितने ज़्यादा लोग प्रसाद चढ़ाने चल रहे हैं, बाबा के दर्शन करने, बाबा का आशीर्वाद लेने। जैसे ही आप सीढ़ियों के सहारे से धीरे धीरे ऊपर आते जाएंगे, आपको यहां पे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे गणेश जी के दर्शन करने को मिलेंगे। जय बजरंगबली, जय श्री राम। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। जय बजरंगबली की नई प्रतिमा है, अभी पुरानी प्रतिमा, पुराना मंदिर नीचे है, वहाँ भी आपको ले चलते हैं। पहले आप यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है, लाइन लग के बाबा के दर्शन होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कितने ज़्यादा लोग हैं, कई स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं हनुमान धाम मंदिर घूमने और हनुमान जी के दर्शन करने। यहाँ पे हनुमान जी के साथ साथ माता सीता, लक्ष्मण जी और राम जी के भी आपको दर्शन करने को मिलेंगे। दोस्तों, यह मंदिर 400 साल से भी अधिक पुराना है। इस मंदिर को नया बनाया गया है और देख सकते हैं ना कितना ही ज़्यादा खूबसूरत, कितनी ज़्यादा यहाँ पे कलाकारी की गई है। और जहाँ पे हनुमान जी रहते हैं वहाँ पे वाटिका ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे बहुत ही सुंदर वाटिका भी बनी है, वो भी हम आपको यहाँ पर घुमाएँगे। तो यह मंदिर हनुमान जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ को भी समर्पित है। आप देख सकते हैं ना कितनी बड़ी प्रतिमा भोलेनाथ की ऊपर बनी हुई है। और ये है माता दुर्गा जी की प्रतिमा। यहाँ पे छोटी बड़ी प्रतिमा मिला के हनुमान जी की कम से कम 1,00,000 प्रतिमाएँ यहाँ पे बनी हुई है। इन सब प्रतिमा बनाने के लिए राजस्थान से कारीगर आए थे, उन्होंने इन सब प्रतिमा को बनाया और बहुत ही सुसज्जित ढंग से कैसे लगाया गया। आप देख सकते हैं ना कितना ज़्यादा सुंदर मंदिर यह लग रहा है। लखनऊ का ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और गोमती के किनारे बना हुआ है। सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी हम आपको ले चल रहे हैं हनुमंत वाटिका में, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाई गई है और वहाँ पे गोमती नदी भी है। सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ना कितने ज़्यादा प्यारे फूल पौधे सब कुछ यहाँ पे लग रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं हनुमंत वाटिका में, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। लोग यहाँ पे आते हैं, फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, वीडियो बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह लगती है, एकदम गोमती से सटा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कितने बड़े बड़े गुम्बद बने हुए हैं, हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिमा बनी है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप यहाँ पर एक बार आ जाएंगे तो आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। इस मंदिर में आपको बहुत सी देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक छोटा सा मंदिर और है, उसमें भी हम आपको लेके चलते हैं, जहाँ पे आपको विश्राम अवस्था में, बाल्यकाल में हनुमान जी के दर्शन करने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये यहाँ पे शंकर जी की शिवलिंग है और ये आप देखिए ना कितना ज़्यादा अद्भुत और प्यारा लग रहा है। हम बाल्यकाल में विश्राम अवस्था में बजरंगबली के दर्शन।
यहाँ पे आने के लिए आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। यहाँ के पास का मेट्रो स्टेशन केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, वहाँ से आप थोड़ा सा पैदल चलिए या बैटरी रिक्शा कर लीजिए। परिवर्तन चौक से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, होटल क्लार्क अवध के जस्ट पीछे ही हनुमंत धाम मंदिर है। आप किसी भी बैटरी वाले ऑटो रिक्शा किसी से भी कह देंगे तो वो आपको वहाँ पर छोड़ देगा, बहुत ही आसान तरीका है। या फिर आप पैदल ही जा सकते हैं, मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों अब आपको ले चलते हैं जो सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे आपको ले चलते हैं जहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा है। तो एक बार ज़ोर से बोलो जय बजरंगबली की। तो दोस्तों हम आ गए हैं सबसे ज़्यादा पुराने प्राचीन मंदिर में, जो हनुमंत धाम के ही नीचे बना है। इसी के नाम पे हनुमंत धाम मंदिर बना हुआ है। यह है 400 साल से भी अधिक पुराना है मंदिर है। आप देख सकते हैं ना कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और कितनी अच्छी तरीके से इसको बना दिया गया है। और भी बजरंगबली की यहाँ पे ढेर सारी प्रतिमाएं रखी हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 1,00,000 से भी अधिक बजरंगबली की यहाँ पे प्रतिमाएं हैं। और एक बार आप यहाँ पे आ जाइए तो आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो दोस्तों अब बारी आती है हनुमंत वाटिका घूमने की, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हरी भरी वाटिका है, जहाँ पे हनुमान जी हो वहाँ पे वाटिका ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सुंदर सुंदर दृश्य दिखाएंगे, व्यू दिखाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हनुमान जी की प्रतिमा है। ये प्रतिमा आपको रील्स और वीडियो में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी, हमने भी यह कई बार वीडियो में देख रखी। तो हम भी आज पहली बार आए हो तो हम भी देख रहे हो और आपको भी दिखा रहे, कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताना, और भी आपको घुमाते हैं। मंदिर में आपको अच्छा सा पानी भी पीने को मिल जाएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो हनुमंत वाटिका शुरू हुई है, देखिए कहाँ कहाँ तक घूमते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी आपको देवी देवताओं के प्रतिमा मिल जाएंगे, दर्शन करने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर दर्शन करिए और भी आपको हरी भरी वाटिका घुमाते हैं, बहुत ही सुंदर है, अद्भुत नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए ना कितना ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा है। मंदिर में आने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा, आप यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होगी। इतना सुंदर, इतना ज़्यादा बढ़िया बना है, कुछ कहने को नहीं। आप देख सकते हैं ना कितनी ज़्यादा यहाँ पे हरियाली, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, छोटे हो या बड़े हर तरह के पेड़। आप देख सकते हैं ना कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पे भी, और ये पूरा मंदिर है। और उस तरफ वहाँ पे गोमती नदी बहती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे मेट्रो ट्रेन भी जाती है, क्या ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जय बजरंगबली। तो दोस्तों देख सकते हैं ना हनुमंत वाटिका कितनी ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर बनी हुई है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। कितनी हरी भरी और कितने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। और रात में आएंगे ना यहाँ पे जो लाइटिंग की व्यवस्था है, बहुत ही सुंदर सुंदर और रंग बिरंगी यहाँ पे लाइट जलती है और फव्वारे चलते हैं, तो और भी ज़्यादा सुंदर है। और वाटिका में भी आपको बहुत से देवी देवताओं के दर्शन करने को मिल जाएंगे, माँ सरस्वती की भी आप यहाँ पे पूजा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो चलते चलते जय माता दी जरूर लिखना और जय श्री राम और जय बजरंगबली भी कमेंट में लिखते जाना। हम आपको पूरी हनुमंत वाटिका के दर्शन करते हैं, घुमाते हैं।
तो भोले बाबा की एक और प्रतिमा देख सकते हैं ना, कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही, सुंदर लग रही। तो जय भोलेनाथ की ये भी कमेंट में लिखते जाना। और सुंदर सी झील भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, कितना ज़्यादा अद्भुत और प्यारा लग रहा है। यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा आपको, बस एक बार यहाँ पे आ जाइए। और वाटिका तो एक नंबर की बनी हुई है, क्या ही कहने। जिन कारीगर ने भी बनाया है उनको दिल से मैं सलाम करता हूँ, काफ़ी सुंदर कार्य किया गया है। दोस्तों ये है लखनऊ की गोमती नदी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर और साफ सुथरी दिखाई दे रही है। उसमें जो नाव चल रही है इसके भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, बस ये है कि आपके साथ में 5 या 6 लोग होने चाहिए, क्योंकि जो एक लोग को नहीं घुमाते हैं और एक पर्सन का किराया वही 70 या 80 रुपये, यानी कि 6-7 लोग को घुमाएंगे तो 400 या 500 का खर्चा आएगा। और लुत्फ़ उठाइए और सुंदर सी वाटिका के दूर से भी दर्शन करिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पर आपको बैठने की व्यवस्था भी है और झूला झूलने के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं। और यूनिवर्सिटी के पास होने के साथ साथ यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट भी आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, कितना ही मनमोहक दृश्य लग रहा है यहाँ को, हमको तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो लखनऊ वालों, कौन कौन यहाँ पे आ चुका है और कौन कौन आने वाला है कमेंट करके ज़रूर बताना। मंदिर में सुरक्षा की बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था कर रखी है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, कितना ही ज़्यादा मनमोहक और सुंदर दृश्य दिख रहा है। लखनऊ की मेट्रो और गोमती नदी कितनी ही ज़्यादा प्यारी और सुंदर लग रही है। ये दृश्य देखना हो तो आपको हनुमंत धाम मंदिर आना ही पड़ेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ना, स्कूल के बच्चे यहाँ पे कितना ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करने के बाद उनको थोड़ी मौज मस्ती करने को भी मिल रहा है, झूला झूलने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है, थोड़ा बहुत खेलने को भी मिल रहा है। लखनऊ का ये ऐसा एकमात्र मंदिर है जहाँ पर ये सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध हैं। और पेड़ पौधे तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे यहाँ पर लगते हैं। और ये गुम्बद तो आप देख ही सकते हैं ना, जय श्री राम और बजरंग बली कमेंट में लिखना ही चाहिए। तो दोस्तों हम आ गए हैं हनुमंत वाटिका के सबसे ऊंचे स्थान पे, जहाँ पे आपको श्री राधा जी और कृष्ण जी की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। कमेंट में राधे राधे लिखते रहिए और राधे जी के दर्शन करते रहिए। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ से आपको हनुमंत वाटिका बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़े, क्योंकि ये सबसे ऊँचा स्थान है। और देखते ही देखते यहाँ पे एक और मेट्रो आ गई, देख सकते ना कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है लखनऊ की मेट्रो, और उतनी ज़्यादा खूबसूरत ये लखनऊ की गोमती नदी। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं ना, पूरी हनुमंत वाटिका यहाँ से दिखाई पड़ रही, क्या ही सुंदर लग रही। लोग खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, क्या ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। कमेंट में जय श्री राम जय बजरंगबली लिखते रहिए। तो चलते हैं हम भी वापस, वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो नया साल आने वाला है, कौन कौन इस मंदिर में नए साल के पहले दर्शन करने हनुमान जी के आ रहा है। जय श्री राम जय बजरंगबली।